हमने अपना सफ़र शुरू कर दिया है टुवर्ड्स बैंगलोर। शादी कंप्लीट हो गई, तबीयत ख़राब हो गई थी, जैसे तैसे निकल तो पड़े हैं। हम सफ़र ट्रेन से जा रहे हैं, जिसकी तबीयत ख़राब हो प्लीज़ ना चढ़े, क्योंकि इतनी बेकार ट्रेन है कि क्या बताऊँ। मतलब चारों तरफ कॉकरोचेस चल रहे हैं। एविडेंस मैं आगे लगाऊंगा। दरवाजे की हालत देखो, इतना ही नहीं, बेड वेड पे सब जगह, कोने कोपचों में हर जगह पे कॉकरोचेस ही कॉकरोचेस लग रहा है। सोएंगे तो कान में घुस जाएगा भाई। इसमें यार अजीब ट्रेन है। इसमें सारे जो भी बोगी हैं सारे एसी के हैं, AC 3 के, बिना रिजर्वेशन के। लड़के ऐसे ही पड़े हुए हैं, दरवाजा एम ही खुला हुआ है। ये देख रहे हो वॉशरूम के नीचे ये तोड़ रखा है। यहाँ पे अगर कोई और उन लोगों की तरह अगर यहाँ कोई सो रहा होता और किसी महिला को अगर वॉशरूम जाना है, आपको लगता नहीं है यहाँ से दिखेगा? अगर वो महिला नीचे बैठती है, ये जो छेद है इसे दिखेगा नहीं? कुछ तो शर्म करो यार, क्या कर रखा है आप लोगों ने यार। थर्ड AC के प्राइसेस बढ़ा दिए, सेकेंड AC के प्राइसेस बढ़ा दिए। हालत देखो यार, इससे क्या ही हालत हो रखी है। और किस चीज़ का मेंटेनेंस करते हैं ये लोग यहाँ पे? शर्म आ रही है। ये देखो कैसे टूटे फटे जैसे तैसे सिल रखे हैं, जैसे चला दे पहुंचा दे। बस ये हालत है हम सफर एक्सप्रेस की। नाम तो बड़े बड़े पर दर्शन ना ही देते तो अच्छा होता। बाकी बता दूं, कोचेस ऐड किए हुए हैं ये कुछ ऐड हमारे, मेरे जो कोच ऐड करे हुए हैं वो कोच मुझे लगता है सबसे बदतर है, क्योंकि उसमें से कॉकरोचेस आ रहे हैं। इनको सड़क पे किसी गटर किनारे छोड़ रखा था और अचानक से लोगों को लगा कि शायद कोच की ज़रूरत पड़ेगी, और उस कोच को रात के 2 बज रहे हैं और सो नहीं पा रहे हैं हम लोग पूरी रात। बस मैं ये देखो कॉकरोचेस। इनका ही आतंक है भैया, इनका ही आतंक है। बच्चा सो नहीं पा रहा है,
क्योंकि हम लोगों हमने उसे थोड़ा ऐसे ऊपर की तरफ रखा है जहाँ पे पहुँच ना पाए शायद कॉकरोचेस, या उसको थोड़ा ज़्यादा ही रोक रहे हैं और उस वजह से उसका सोना दुश्वार है, हमारा सोना दुश्वार है, क्योंकि हर दो पाँच मिनट में उठ उठ के मैं देख रहा हूँ कि कहीं कोई कॉकरोचेस उसके पास आके कान में घुस सकता है, उसके नाक में घुस सकता है। बहुत तकलीफ है भैया। रेलवेज मेंटेनेंस डिपार्टमेंट अगर कोई है तो आप लोग तो शर्म करो, और बाकी के डिपार्टमेंट्स यार सोचो यार क्या कर रहे हो यार आप लोग, यार क्या ये कौन सा भद्दा मजाक है, पता नहीं यार। आप खुद डिसाइड करो। और इसके बाद भी अगर कोई बोले कि नहीं भाई रेलवेज बहुत अच्छा कर रहा है और ये कर रहा है और वो कर रहा है, और कई कमेंट्स आते हैं यार, जय हो मेरे चमन के फूलों, ऐसे ही फूल बनते रहो। ये B2 लिख रखा है जबकि B6 है। कुछ भी है, कुछ भी, कहीं की भी कुछ भी जोड़ दो, जैसे तैसे ट्रेन बनाओ और चलो भैया गंगा पार। देखो देखो ये लॉक करने का तरीका है, ये जैसे तैसे बांध रखा है, अगर खुल गया टूट गया एक्सीडेंट ही हो जाएगा, कोई गिर गया यहाँ से, बताओ यार कसम से। बहुत अच्छे इंडियन रेलवे, बाहर लोग कहते हैं थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, ऐसी चीज़ों से ही तो प्रूव करते हैं हम। थैंक यू इंडियन रेलवे। सफाई की व्यवस्था देखिए, रेडी रेडी सिंह।
ये देखो इधर कॉकरोच थे, सफर किया है इंग्लिश वाला, वो क्या ही कहे, वीडियोस में हमने देख ही लिया है। सच कह रहा हूँ यार, इन लोगों के पास इंडियन रेलवे, शर्म करो यार, तुम लोगों के पास गवर्नमेंट जॉब है, तुम लोग कुछ नहीं करते हैं। एक वीडियो आया था जिसमें गवर्नमेंट जॉब वालों को बोला था कि भाई आप लोगों को घर आने की ज़रूरत ही नहीं है, हम सैलरी आपके घर पहुँचा देंगे, और हम जो बाहर कंपनीज में काम करते हैं वो लोग को काम कर करके भी कम तनख्वाह मिलती है, लेकिन हम प्राउडली कह सकते हैं कि कम तनख्वाह के साथ भी हम अपना पूरा देते हैं, और यहाँ बिना आए इन लोगों ने जो कर रखा है, ट्रेन की हालत थ्रू है यार आप लोगों पर। चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। इंडियन रेलवेज वाले प्लीज़ कुछ स्टेप उठाइए फॉर फ्यूचर, और मैं आपको मिलूँगा इन द नेक्स्ट वीडियो।